आज मैं आप सभी लोगों के लिए नवरात्र व्रत में खाने वाली आलू की तीन रेसिपी दिखाने जा रही हूँ, जिसे आप इस तरह से बना सकते हैं। तो आलू को मैंने पहले ही छील कर रख लिया है और जो फूटे हुए आलू हैं उनको मैंने इस बाउल में निकाल लिया है। अब फूटे हुए आलू में डालूंगी कुट्टू का आटा। आटे में आलू को अच्छी तरह से मैश करूंगी। अब इसे मैश करने के बाद इसमें हल्का हल्का पानी डालते हुए इसका डो लगाऊंगी। तो अब मैंने आटे को तैयार कर लिया है और हाथों में लगाया है रिफाइंड व्रत में खाने वाला, या फिर आप घी भी ले सकते हैं। और अब आप अपनी पसंद के हिसाब से पूड़ियों की लोई छोटी या बड़ी बना सकते हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने इसकी लोई बना ली है और बनाकर रख लूँगी। अब मैंने ली है ये पॉलीथीन, ये दो हैं, इसके बीच में मैंने व्रत में खाने वाला तेल लगाया है जिससे कि पूड़ियाँ चिपके नहीं। अब आलू को इस तरह से तोड़ लूँगी। और इन आलूओं को अच्छी तरह से मैश कर लूँगी बर्फी बनाने के लिए। तो यहाँ पर कढ़ाई में मैंने डाला है व्रत में खाने वाला तेल या फिर घी, और घी में डाला है तड़के के लिए जीरा। अब जीरा अच्छी तरह से चटक जाने के बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं आलू, जिन्हें मैंने अभी तोड़ कर रखा था, और उसी के साथ में डाल दी हैं हरी मिर्च कटी हुई, और साथ में सेंधा नमक भी डाल दिया है। अब आलू को 2-3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर बीच बीच में इसी तरह से चलाती रहूँगी। अब इसमें डाला है एक टमाटर। टमाटर डालने के बाद इसमें डालूंगी दही, तो दही मैंने डाल दिया है। साथ में डाली है कटी हुई हरी धनिया। अब डाल रही हूँ भुना हुआ धनिया और जीरे का पाउडर। दही को मैंने पानी में फेंट कर डाला है और अब ये सब्जी तैयार है। यहाँ पर कढ़ाई मैंने फिर से रख दी है, इसमें डाला है 2-3 चम्मच देसी घी और मैश किया हुआ आलू मैंने डाल दिया है। मीडियम फ्लेम पर लगभग 5 मिनट के लिए इसे भुनूंगी। अब इसका हल्का सा कलर चेंज होने लगा है तो इसमें डालूंगी कटे हुए काजू बादाम चिरौंजी और किशमिश। साथ में डालूंगी आधी कटोरी गरी का बुरादा, उसे भी डाल दिया है। अगर आपके पास गरी का बुरादा नहीं है तो आप गरी को मिक्सी ग्राइंडर में ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। अब डालूंगी आधी कटोरी चीनी। सभी चीज़ों को मिक्स करते हुए 2 मिनट के लिए चलाया है और अब इसमें डालूंगी आधा कप के लगभग दूध, जिससे कि चीनी बहुत जल्दी ही गल जाए। अब 2-3 मिनट के लिए मैं इसे इसी तरह से पलटते हुए मीडियम फ्लेम पर चलाती रहूँगी। और अब ये देखने में थोड़ा सा थिक हो गया है। इधर आप देख सकते हैं सब्जी बनकर तैयार है और हलवे को अब मैं निकाल लूँगी इस ट्रे में। इसमें मैंने पहले से ही घी लगा कर रख लिया है। तो अब इसे निकालूंगी इस थाली में। आप चाहें तो इसे हलवे की तरह भी खा सकते हैं या फिर इसके लड्डू भी बना सकते हैं, पर मैं यहाँ पर इसकी बर्फी जमाने के लिए डाल रही हूँ। तो इस तरह से मैं इसे बराबर कर दूंगी
और लगभग 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख दूंगी। अब लिया है व्रत में खाने वाला तेल। तो पॉलीथीन के बीच में मैंने घी को पहले से ही लगा लिया था और इस तरह से इसे प्रेस करते हुए प्लेट से इसकी बनाऊंगी पूड़ी। तो ये पूड़ी बनकर तैयार है और इसी तरह से मैं पूड़ियाँ बनाऊंगी। मीडियम फ्लेम पर तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है तो अब इसमें डालूंगी पूड़ी। तो एक बार में मैं 3 पूड़ियाँ डाल रही हूँ। और मीडियम फ्लेम पर ही इन्हें तलूंगी। इसे तलने के लिए फ्लेम को स्लो ना रखें, नहीं तो ये तेल या फिर घी को ज़्यादा सोक करती हैं। तो अब पूड़ियों का कलर हल्का सा चेंज होने लगा है और अब इन्हें दूसरी तरफ पलट दूंगी। तो ये पूड़ियाँ तलकर तैयार हैं और इन्हें निकाल लूंगी। ये पूड़ियाँ बनाने में बहुत ही आसान और सिंपल होती हैं। उसी तरह से और भी पूड़ियाँ डालूंगी तलने के लिए। पूड़ियों का आटा लगाते टाइम आलू को आप अच्छी तरह से मैश कर लें, जिससे कि आलू की गुठलियाँ आटे में ना रहें। तो सभी पूड़ियों को मैं इसी तरह से बनाकर रख लूँगी और अब इन्हें भी निकाल लूँगी। आप इन पूड़ियों को एकादशी के व्रत में भी बनाकर खा सकते हैं। अब मैंने बर्फ़ी को निकाल लिया है, ये अच्छी तरह से ठंडी हो गई है तो अब इसे कट करूँगी। आप इसे अपनी मनपसंद पीस में कट कर सकते हैं। मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, अगर आपके पास कुछ कम ज़्यादा हैं तो आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत ही कम टाइम में बन जाती है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो अब इसे निकालूंगी इस प्लेट में। आप भी एक बार इस तरह से बर्फी की रेसिपी बनाकर ज़रूर ट्राई करें। तो अब मैंने इसे इस प्लेट में निकाल दिया है और आप देख सकते हैं कि ये बर्फी कैसी बनी है। अब अगर आप चाहें तो इसे इस तरह से गार्निश भी कर सकते हैं। तो आलू की बर्फी बनकर तैयार है। अगर आप सभी लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पर मैंने थाली लगाने के लिए ली हैं पूड़ियाँ, जिन्हें मैंने अभी दिखाया है, और यह है दही आलू की सब्जी, साथ में है आलू की बर्फी, सलाद में लिया है खीरा। आप इस थाली को नवरात व्रत में या फिर एकादशी के व्रत में भी बनाकर खा सकते हैं। तो आप सभी लोगों के लिए नवरात व्रत की थाली लगकर तैयार है। इस तरह से आप आलू से 3 रेसिपी को तैयार कर सकते हैं।